जान पे। आराम कर रहे मतलब मेरी अंतरिया बाहर आ जाएगी कर। हाँ पागल हो गए हो, किस बात की हंसी है? हमें ये सोच के अपनों के मगर मगर अगर अगर तुम दोनों की शादी हो भी जाती है तो कैसे अजीब गरीब मजाज पैदा होंगे। बाकी मसले तो हल हो जाएंगे, मैं तो ये सोच रही हूँ कि हम दोनों में से दुल्हन कौन बनेगी। मत कर दे पाए में। कौन है? किसका है? तुम तो कौन है? छोड़ना। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, आप एक सेकंड वेट कीजिएगा। क्यों? जी अब बोलिए। जी 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 ऐसा ही है। ओए आ जाओ। जी ठीक है, आप भी ओके, अल्लाह हाफिज। कॉल काट दी? हाँ। हाय अल्लाह, इतनी लंबी क्या बातें हो रही थी? क्यों बताऊं, प्राइवेसी भी कोई चीज होती है। अच्छा जी, पहली दफा बात की और प्राइवेसी भी हो गई। मैं भी तो सब कुछ बताती हूँ, मुझे भी बताओ ना। क्या हो गया यार? देखो कल को मेरी भी काम आएंगी ये बातें, मुझे भी पता होगा। जब तुम्हारा वक्त आएगा ना, खुद ही पता चल जाएगा तुम्हें। कुछ तो बता दो। अच्छा ये बताओ कि कैसा लगा? ठीक लगा यार, बल्कि अच्छा लगा। अच्छा जी, पहली मुलाकात में अच्छा भी लग गया? उस पाप की तरह तो नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। जो पूछना था पूछ लिया ना? हाँ, वो कह रहा था कि पंचायत में कोई भी फैसला हो, उसको इस फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेट, अब तो खुश हो? थैंक यू तो बोल दो। थैंक यू। काम कर लूं मैं अब? हाँ हाँ करो।
और तू यहाँ बैठा हुआ है, बाहर सब लोग इंतजार कर रहे हैं। चल उठ शाबाश। मैं नहीं जाऊंगी। हैं? मैं नहीं जाऊंगा। बकवास करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, जान निकाल दूंगा मैं तेरी। निकाल निकाल कहां से निकालेगा, मैंने कह दिया ना, जब तक मेरे बच्चे नहीं आएंगे मैं नहीं फैसला सुनाऊंगी पंचायत का। बस मुझे हाथ लगाया ना मैं शोर मचा दूंगी। बगेम देख, मैंने तुझे बताया है कि साबिर और शाकिर से बात की है मैंने, वो कह रहे हैं ले आएंगे तेरे बच्चों को, अभी तो बाहर चल, सब जमा है, पंचायत को फैसला सुनाना है तूने। और देख, सिर्फ उतना कहना है जितना तुझे समझाया है, उसमें कुछ ऐड नहीं करना। टांग तोड़ दे, बेशक नहीं सुनाऊंगी फैसला, खुद सुना देना, तू गूंगा है, मैंने कह दिया ना, जब तक मेरे बच्चे नहीं आएंगे मैं फैसला नहीं सुनाऊंगी। मेरे बच्चे, मेरी बात सुन। डोंट टच मी। हाय, मैं सदके जाऊं। जालिम, मेरे बच्चे, आज पंचायत नहीं होगी। वो असल में शाहजी की तबीयत ना थोड़ी सी खराब है, इस वजह से। तो फिर अब पंचायत कब होगी भाई? क्या हुआ है शाहजी को? और ज्यादा कुछ नहीं हुआ, वो सुबह ना कमजोरी की वजह से आ गए चक्कर, तो डॉक्टर ने कहा 2-3 दिन आराम करना है। तो भाई पहले बता देना था ना। और पहले पता कब था, अचानक हुआ है ना सब। तो अब ऐसा है कि जैसे ही शाहजी अच्छा अच्छा फील करते हैं, मैं पंचायत का दोबारा ऐलान करा दूंगा। यार ये कोई बात है भला, सुबह से बैठे हुए हम, मेरे अपने घर का काम था, इनको एहसास ही नहीं इस बात का। मैं अपने घर का काम, ये चौथा दिन है आज। और ठहरा भी ठहरो, बात सुनो, ऐसी हमारी दिहाड़ी जाया करवाई है, चलो चले। ये क्या बात हुई है, तू ठीक है, तू बात है भला करने वाली? नहीं नहीं, बैठो बैठो बैठो, कोई बात नहीं, बैठ जाती है, बैठ जाओ यार, हो जाता है, कोई नहीं, बैठ के तमल से बात कर लेते। तो आ गई है समझे? नहीं नहीं ठीक है, कोई ऐसी बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शाह जी बीमार हो गए हैं, कोई बात नहीं, मौसम कच्चा पक्का है ना, बंदा बीमार हो ही जाता है। लो भाई सारे शाह जी के लिए दुआ करो। दुआ करें जी। हे दे अल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह शाह साहब को से तो तंदुरुस्ती अता फरमा, या अल्लाह उनको कभी बीमार ना करना, या अल्लाह शाह जी को हमारी उम्र भी लगा दे, आमीन, या अल्लाह शाह साहब को जल्दी सेहतमंद कर दे, आमीन। नीलो बाजी। जी मेरी जान। भूख लगी है। अच्छा मैं देखती हूँ कि कुछ खाने के लिए कोई। चलो जल्दी करो, जाना है यहाँ से। किधर जाना है पद्माश भाई? सवाल जवाब करने का टाइम नहीं, निकलने वाली बात करो। अच्छा, चलो जल्दी करो। अच्छा, चलो उनको भी। पर चलो जल्दी करो, इसको भूख लगी है खाने के लिए। चलो यहाँ से तो निकलो, चलो। खाने के लिए कुछ चाहिए था। जाओ
जाओ मरो। अरे मेरी बच्चिया। अल्लाह गुरुजी। मैं वाली मैं सच्ची। हाय गुरु। मेरा चिड़िया बच्चा। हाय गुरु। कहाँ रह गई थी? हेलो बस मिल लिया? नहीं अभी नहीं। ओ शाह जी इधर आ इधर आ। हाँ जी। देख जल्दी से मिल मिला के ना फारिग कर, इनको हम यहाँ रख नहीं सकते। मगर जितनी तेरी बात मान सकता था मैंने मानी है, इसके लिए मुझे साबिर और शाकरी की इतनी मिन्नतें करनी पड़ी, मुझे पता है। मेरी बात सुन, इनको ना मैं इधर ही जीवन नगर में एक अच्छे से घर में रख लेता हूँ, हैं? कोई परेशानी नहीं होगी, आती आती रहेंगे तुझसे मिलने के लिए। बस अब तूने सारा ध्यान अपने काम की तरफ दे। मगर अभी थोड़ी देर तो बैठने दे मेरी बहन, मेरा भाई। अच्छा बस 5 मिनट बस। मैं सब के जाओ नीलो, मैं गुरबान अपनी बच्चियों के। कुछ तेरा और ना मुझे नजर आती मेरी बच्चियां तो मैंने मर जाना था। अल्लाह ना करे गुरुजी, आपको तो हमारी जिंदगी भी लग जाए। पुत्री देखो क्या हाल अपना कर दिया, खाने को नहीं मिलता था तुम लोगों को। जी मैं तो खुद बहुत उदास हो गई थी आपसे। अरे मैं कुर्बान जाऊं तुम लोगों के बुरा हाथ बदल के ऐसे क्या कुंडो कुंडो मेरा पुत्र। ना गुरुजी मैं अकेला। खुंडो खुंडो मेरा पुत्र अपनी सेहत का ख्याल रखो। हाय गुरुजी जिस कड़े चलो तुम जाओ। मेरी बात गौर से सुनो। जी गुरुजी। यहां मुझे गुरु नहीं कहना। वो क्यों गुरुजी? हाय इधर मेरी असलियत का किसी को नहीं पता, अगर पता चल गया ना तो हम सारे मारे जाएंगे। पुत्री यहाँ मैं बब्बर शाह हूँ, ये सारे लोग मुझे शाह जी कहते हैं, तुम लोगों ने भी मुझे शाह जी कहना है। ठीक है। मैं इन लोगों को ये बताऊंगी कि आप लोग मेरे पुराने जानने वाले हो, तुम लोगों को पनाह चाहिए थी तो मैंने तुम्हें इधर पनाह दी थी, समझ गई हो ना? जी गुरु जी। हाँ तो गुरु जी आप इस काम के लिए यहाँ आए थे? नीलो पुत्री वक्त आने पे मैं तुम्हें सब बता दूंगी, अभी जो मैं कह रही हूँ ना बस वो करो बस। हाँ मेरा पुत्र कूदो मेरा बेटा। चेहरे क्या बना लिए हुए, खाने को नहीं था मिलता तुम लोगों को। मैं सदके जाओ, इतनी प्यारी मेरी बच्चियां देखो क्या हालत कर रही है। एक मिनट ये ऊपर भी कमरा है? हाँ ऊपर कमरा है, ऊपर भी। बस ठीक है, ये ऊपर वाला कमरा और इसके पीछे वाला कमरा, ये दोनों कमरे मैं इनको दे रहा हूँ, कोई मसला तो नहीं है? मसला तो है बिल्ले भाई, जीवन नगर के लोग क्या कहेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। ओए ऐसी की तैसी लम्बा पा दूंगा, क्या मजाक उड़ाएंगे? यही कि पारफीक जनानी तो घर ला नहीं सका इसलिए इनको ले आया। पारफीक, ओए जन्नत की चिड़ियों ने तेरे घर पे घोंसला बना लिया, खुश हो जा। मगर देखो बस शाह जी के खास मेहमान है, हुक्म तो मानना पड़ेगा है। फिकर ना कर, मैंने तेरे लिए बहुत कुछ सोचा है, खुश कर दूंगा तुझे। यूं समझ तेरी लॉटरी निकल आई है। इधर ओए
ठंडा बेहतरीन हो जाएगा तेरे लिए। इनसे मिले जी, ये हैं पा रफीक। आज से तुम लोग ना इनके घर पे रहोगे और ये तुम लोगों का ख्याल रखेंगे। क्यों जी, रखोगे ना ख्याल? रखोगे ना? हाँ, हाँ रखूंगा। हाँ, लेकिन मुझे बगैर बताए कहीं बात। इससे पहले कि हम फैसला सुनाएं, अगर किसी ने कुछ कहना है तो कह लो, वरना बाद में मेरा जिम्मा तोशपोश। मेरा मतलब है कि बाद में मैं फिर फैसला सुनाऊंगा। शाहजी, पिछली नशिस्त में जो कहना था सबने वो कह चुके, अब फैसला आपने सुनाना है। और आप जो भी फैसला सुनाएंगे वो सोच समझ के ही सुनाएंगे, जिसमें सबकी भलाई शामिल होगी। क्यों भाइयों? हाँ, बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं। थैंक यू मौलवी साहब। हमारे फैसले के मुताबिक फकीरे के असल वारिस असल वारिस मंगेरे हैं। शाहजी कौन है? मंगेरे हैं यानी के हम हैं। ओए शाहजी, बब्बर शाह, बब्बर शाह, बब्बर शाह, बब्बर शाह, बब्बर शाह, बब्बर शाह, ओ बब्बर शाह, बब्बर शाह, ओ बब्बर शाह, ओ बब्बर शाह, ओ बब्बर फकीरा के ख़जाने के मामले में पूरा जीवन नगर पहले ही लालच में था। सबको उम्मीद थी कि इन्हें ख़जाने में से कुछ हिस्सा ज़रूर मिलेगा, लेकिन बिल्ले के कहने पर लाली गुरु ने जो फैसला सुनाया वो दरअसल फैसला नहीं, एक फसाद का ऐलान था। लो जी, तुम लोग मुझे कहो ना, घोड़े का पुत्र हाथी हो सकता मैं मान लूँ, लेकिन फकीरे के वारिस मगेरे ये नहीं मान सकता मैं भाई। हाँ यार, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। और यार कारोबारी, ये बात वहां पंचायत में करनी थी ना। वो ये कहेगा, वो चपली से रिश्ता करते हुए तो बब्बर शाह के आगे ये बोला नहीं है, अब कैसे बोलेगा ये? अच्छा चलो, मैं तो नहीं बोल सका, पर तुम लोग हैं, तुम्हारी जबानें बस इधर ही चलने जोगी हैं। यही वजह है पाए, यही वजह है कि हमें आपस में लड़ने के सिवा कोई काम नहीं।
और उधर मगेरों ने बब्बर शाह के पता नहीं क्या कान पर रहे हैं, पूरा खजाना उठा के उनके हवाले कर दिया और हम 24 घंटे बस एक दूसरे की टांगे खींचते रहेंगे। अब बेवकूफों ये सोचो उस खजाने से हमने अपना हिस्सा कैसे लेना है। हाँ तो बात तो ठीक है ना, छोटा कारोबारी ठीक कह रहा है। क्या तो ठीक रहा है तो आगे भी चलो ना, सही बात के बाद भी तो कुछ करना है। और नहीं बे मैं नहीं मान सकता, ना 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 ना, बगैरे करोड़पति और हम कखपति। पूरा जीवन नगर जानता है फकीरे के लिए जितना हम नेको ने किया है ना उतना किसी ने नहीं किया। और क्या, इन मगेरों में से कोई एक भी कुरान पाक पे हाथ रख के कह देना कि हम मगेरे फकीरे के वारस हैं तो हम चुप करके मान जाएंगे और सारा खजाना इनका। और वो देखो मास्टर तो फैल चवल ना हो तो मिठाइयाँ बांटता फिर रहा था, हैं शर्म नहीं आती उसको। मेरा तो दिल कर रहा था कि उसे उठा के तंदूर में तुन दूँ। वो तो है ही इंतहाई लालची बंदा। वैसे यार सोचो ये जो मगेरे हैं ना फकीरे का खजाना कल्ले कल्ले ही हड़प रहे हैं। वैसे सोचने वाली बात है, सोचना पड़ेगा है ना। चाय पिए आप। चाबी निकाले, जल्दी करें ना, जल्दी करें जल्दी। इसमें से कुछ निकाला नकुला तो नहीं? नहीं। ओए तू तसल्ली कर लेना पा रफीक, और तू तो देख के गया था। हाँ पूरी तसल्ली करूंगा, फिक्र ना करो। मासी जी आप भी मुझ पे शक कर रहे हैं, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? ओ नहीं नहीं पा नीफ, और मैं तुझे झूठा साबित नहीं कर रहा। असल में वो सियाने कहते हैं कि बंदा तो गारंटी अपने आप की नहीं दे सकता, वो दूसरे की बात तो बहुत दूर की बात होती है, और यहाँ बात भी कुछ हो रहा है। ये देखो ना, ये मोती और ये सिक्के, ये लाख लाख सवा सवा लाख के हैं, फिर बंदे का ईमान तो कहीं भी डूब सकता है। चलो मेरा नहीं तो कम अज़ कम रिश्ते का ही ख्याल कर लो। रिश्ता? हाँ मैंने याद आया, मैं तुझे बताना भूल गया था। पानीफ मेरा मुंडा नहीं मान रहा। ये आप क्या कह रहे हैं मास्टर जी? पानीफ आप तो अच्छी तरह से जानती हो, ये नौजवान नस्ल जो है ये अपने माँ बाप की कहाँ मानती है। है कि नहीं? ए, माल पूरा है ना, तसल्ली कर ली है ना? हाँ कर ली है तसल्ली, माल पूरा है। शाबाश उठा फिर चले। थैंक यू वेरी मच अंकल हनीफ। मैं दोबारा आऊंगा बहुत जल्दी। ओ चल खजाना उठा। अच्छा अस्सलाम वालेकुम पा हनीफ। ओ या या भाई
हेलो 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 हेलो, किधर चले हो पराठे नाल जी? बबर जी, बबर जी, बबर जी आपसे नहीं मिलना चाहते। व्हाट? बबर जी मुझसे नहीं मिलना चाहते? वो अंग्रेजी में कैसे कहेंगे कि शाहजी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट? उनको जाके बताओ मैं मिलने आई हूँ। आपसे ना एक जरूरी बात करनी है मैंने। ये जैसे अभी आपने कहा था ना, व्हाट, मुझसे ऐसे नहीं निकलता, मैं सीधा सीधा कहता हूँ व्हाट, लेकिन इस व्हाट में और उस व्हाट में ना बहुत फर्क है। वो वाला व्हाट बहुत कमाल का, जब आप होंठों को यूं गोल गोल करके कहते हो ना व्हाट, मुझे भी ऐसे सीखना है। तो पूछना ये था, मैं ऐसे ही सीख लूंगा या इसके लिए ऐसे होंठ होना भी जरूरी है? शाहजी को जाके बताओ कि मैं आई हूँ। मैं जाऊं या तुम बताते हो उनको? अच्छा, आप अभी वहीं खड़ी भी हैं? नहीं नहीं, उसका तो मैंने आपको जवाब दे दिया ना कि शाहजी ने आपकी एंट्री पे पाबंदी लगाई भी है। अब अंग्रेजी में इसे कैसे कहेंगे, ही नॉट लाइक मीटिंग विद यू। लेकिन बाय द वे, अगर आपको कभी भी मुझसे मिलना है ना, तो आप बगैर बताए आ सकती हैं, बस मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं यहाँ पे हूँ। अपनी बकवास बंद करो। मैं फिर हाँ ही समझू ना आपकी तरफ से? मजा। लो जी भाइयों, वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि पारफी कोई बेईमान बंदा नहीं है। है कि नहीं, बोलो तो सही ना। हाँ, ये बात हुई ना। और वैसे अगर आप लोगों को कोई शक हो, किसी किस्म का भी शक, तो आप लोगों ने इस बक्से में मौजूद एक एक चीज की तस्वीर ले ली है ना? हाँ तो कहो ना। हाँ तो ठीक हो गया बिल्कुल। अब हम इस बक्से को लेकर जाएंगे इस्लामपुर। वहां पर ऐसी चीजों की खरीदो फरोख्त के लिए बड़े बड़े ताजर मौजूद होते हैं, और ये जो हीरे और इस तरह की पुरानी पुरानी चीजें होती है ना, इसके वड्डे वड्डे बिजनेसमैन वहां पे होते हैं। मास्टर साहब को है परसों छुट्टी, आप में से भी अगर कोई भाई साहब चलना चाहता है तो चला चले। लो जी, वहां पे जाके ना हम इस खजाने का रेट लगवा लेते। मेरी सारे मघेरों से भी बात हो चुकी है, उनको भी कोई एतराज नहीं है। रात को मैंने हिसाब लगाया था के हमारे जीवन नगर में हमारी बरादरी के जो घर हैं वो हैं 80 और 8, 88। अब ये खजाना वहाँ जाके बेचेंगे, जितने भी पैसे मिलेंगे वो हम आपस में बराबर के तकसीम कर लेंगे। ना कोई लड़ाई ते ना ही कोई झगड़ा, है कि नहीं? बिल्कुल। और आप लोगों को जो है जो पैसे मिलेंगे ना, वो आप जैसे मर्जी है उसको खर्च करें, आपकी मर्जी है। पर फिर भी ना, आप भाइयों के लिए मेरे पास एक बहुत जबरदस्त किस्म का फ्यूचर प्रोग्राम है। हाँ, आप के लिए मैंने सोचा है कि नंबरों वाली एक बड़ी सारी कमेटी वो रखी जाए। आप अपने बच्चों का इस कमेटी से मुस्तकबिल संवार सकते हैं। संवार सकते हैं कि नहीं? उनको बाहर भेज सकते हैं, कारोबार में तरक्कियां कर सकते हैं। मास्टर जी बताएं भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लो भाई भाइयो, चुप करके अखां बंद करके ये मेरे यार रफीक के पीछे लग जाओ। वड़ियां वड़ियां कमेटियां पाएगा तो बड़े बड़े नोट आएंगे, और उन नोटों से हमारे बड़े बड़े जो मसाइल हैं वो भी सारे मिनटों में हल हो जाएंगे। क्यों भाई? हाँ ठीक है ना? ये पैसा आपका है, मेरा नहीं है, आपका है। पिला भाई,
राजू 20 ट्रक और भेज रहा है। आ तो इतना माल इकट्ठा क्यों उठाया? तो मैं तेरे से पूछ के माल मंगवाऊंगा। बाबू भाई इतना माल कभी नहीं उठाते थे। अब बाबू था, ये बिल्ला है बिल्ला। मेरे काम करने का ना अपना तरीका है, आइंदा ना बोलना वैसे। बिल्ला भाई गोदाम बड़े बड़े हैं, कच्ची लाइन वाली फैक्ट्री में भी जगह नहीं है, माल रखेंगे कहाँ? घरों में तो रख नहीं सकते, और जीवन नगर से बाहर ले जाएं तो? बाहर नहीं, जीवन नगर में ही रखेंगे, है मेरे पास जगह। तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो तेरे जिम्मे काम है तू बस वो कर जा। मिला? उसकी तो ऐसी की तैसी, मैं बता रही हूं कि घर में घुस के ना मुंह तोड़ाना है मैंने उसका। तमीज से बात करना दिया, ये क्या तरीका है बात करने का? अच्छा तुम मुझे तमीज सिखा रही हो। सच सच बताओ, क्या उसने ये कहा था कि पंचायत में जो भी फैसला हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कहा था कि नहीं? हाँ कहा तो था। तो अब क्या हो गया है, क्यों नंबर बंद जा रहा है उसका? सो वजह हो सकती है नंबर बंद होने की, एक ही वजह है और वो तुझे अच्छे से पता है। तो ठंडी रहे, मैसेज छोड़ा है मैंने उसको, उसका नंबर ऑन होगा ना तो रابطہ करेगा वो। शबान, शबा साहब, शबान जी। जी पायन, शबान को बुलाओ भाई, दिन चढ़ा है, उसे को दुकान खोले जाके। नवाब साहब अभी तक इधर ही पड़ा हुआ है। वो ना पायन, शबान की ना जरा तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा जी, क्या हुआ है तबीयत को? वो सिर दर्द हो रही है, सिर में पीड़। अच्छा बुलाओ ना जरा। लेकिन पायन। हाँ हाँ बुलाओ। अच्छा ला। बरकत, बरकत, हेलो बरकत। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।